शिमला के कालीबाड़ी हॉल में सीटू से संबद्ध आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन का तीसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान पूरे वर्ष के घटनाक्रमों पर मंथन व चर्चा की गई और आगामी वर्ष की रणनीति तैयार की गई, साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। सम्मेलन में सीटू के नेता विजेंद्र मेहरा ने अपने विचार रखे। आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने सम्मेलन के बारे में जानकारी दी और सरकार से कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की। बैठक ये हमारा सम्मेलन वार्षिक सम्मेलन है जो हम हर साल अपनी यूनियन का सम्मेलन करते हैं, तो हमारी यूनियन का ये तीसरा वार्षिक सम्मेलन रखा है। इसमें आज हमारी जो है नई कार्यकारिणी नियुक्त होगी, तो इसमें आज चुनाव होगा, नई कार्यकारिणी यहाँ से चुन की जाएगी। वो हमारी कार्यकारिणी जो हमारी आईजीएमसी के अंदर समस्याएं हैं उन विषय को जो है प्रशासन के सामने और आगे सरकार तक ले जाएंगे और हम अपनी समस्याएं जो हमारी आईजीएमसी के अंदर हमारी समस्या दिखते हैं उसके ऊपर काम करेंगे और आने वाले समय में नई कार्यकारिणी जो है नई विचारधारा के साथ नए जोश के साथ आने वाले समय में काम करेंगे।